इस वक्त की बड़ी खबर छपरा जिले से आ रही है, जहां छपरा जिले के रसूलपुर थाना के रसूलपुर के चैनपुर रोड पर बेखौफ अपराधियों ने दो व्यक्ति को गोली मार दिया है, जिसमें एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताते चले कि घायल व्यक्ति की भाभी चुनावी मैदान में है, उसी को लेकर वोट मांगने निकले हुए थे, तभी अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। मुखिया प्रत्याशी रीता देवी सिवान जिले के महाराजगंज के पूर्व विधायक हेम नारायण साह की बहन है और उनके देवर को अपराधियों ने गोली मार दी है, साथ उनके ड्राइवर को अपराधियों ने मौत के घाट उतार दिया है। वहीं जो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, उनकी पहचान मनोज प्रसाद के रूप में हुई है। वहीं उनका ड्राइवर रिंकेश कुमार उर्फ मारुति की मौत हो गई है। इस घटना के बाद रसूलपुर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले के तफ्तीश में जुट गई है। बिहार में अपराधियों का हौसला लगातार बुलंद होते जा रहा है और पुलिस प्रशासन अपराधियों के फन को कुचलने में नाकाम साबित दिख रही है। तो बड़ी खबर फिर से बता दें कि छपरा जिले के रसूलपुर थाना के रसूलपुर के चैनपुर रोड पर बेखौफ अपराधियों ने दो व्यक्ति को गोली मार दिया है, जिसमें एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताते चले कि घायल व्यक्ति की भाभी चुनावी मैदान में है, उसी को लेकर वोट मांगने निकले हुए थे, तभी अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। Yeah.